से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। सागर जिले की सुर्खी थाना पुलिस ने कार सहित शराब तस्करों से 36,000 रुपए की देशी शराब की 12 पेटी बरामद की है। सुर्खी थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार टाटा इंडिको से शराब तस्कर राजघाट से बिलहारा की ओर भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और पुलिस को देख भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। हालांकि कार चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस पूछताछ में कार में बैठे दो युवकों ने अपने नाम शिवम पिता श्याम सोनी निवासी बड़ा बाजार सागर और योगेश पिता फूलचंद निवासी घूगर थाना जैसी नगर होना बताया। वहीं कार चालक का नाम रुपेश यादव सामने आया है। पुलिस को कार में से 12 पेटी देशी शराब मिली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक को 10:30 बजे करीब रात को मुखबर द्वारा सूचना मिली थी, एक इंडिगो कार MP15T2843 में सागर तरफ से बिलहारा तरफ अवैध तस्कर शराब लेकर के आ रहे हैं। मुखबर की सूचना के अनुसार थाना पुलिस सुर्खी का एवं चौकी बिलहरा पवार को बोल तस्दीक के लिए रवाना साथ लेकर रवाना हुआ था। जो मुखबर के बताए अनुसार राजघाट रोड पर आगरा के पास उक्त कार जो मिली, इसको रोक करके चेक किया, उसमें दो व्यक्ति मिले जिनमें एक का नाम शिवम सोनी सागर का, दूसरे का योगेश सोनी गूगल का होना बताए। जिसकी तलाशी लेने पर कार में 12 पेटी देसी अवैध शराब मिली, जो आरोपी के कब्जे से विधिवत जब्त की गई। रिपोर्ट न्यूज 39 इंडिया। यूपी के बाराबंकी के सिद्धौर कस्बे में होली के 8वें दिन निकलने वाला आठव का जुलूस पुलिस की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। सिद्धौर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर से दोपहर को डीजे पर नाचते गाते हजारों की संख्या में लोग जुलूस लेकर निकले। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने एहतियात पर भारी बल लगा रखा था। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण जुलूस शांतिपूर्वक निकला। जुलूस को सफल बनाने में चौकी प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह, SI शर्मा, अमित कुमार, मोहम्मद राशिद ने अपनी टीम के साथ चाक चौबंद व्यवस्था रखी। बाराबंकी से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन के बंगले पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालाघाट सिवनी जिले के भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गौरी शंकर बिसेन पुराने गाने रंग बरसे भीगे चुनरवाली पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।